गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, चलते बेटा क्लास 5 का स्पेशलाइजेशन। आज हम पढ़ाते हैं जिसका नाम है सिस्टम यूनिट। सिस्टम इसका सिस्टम यूनिट यूनिट में होता है इकाई। क्या होता है इकाई? हमारे कंप्यूटर की इकाइयां जो होती हैं बेटा, तीन इकाइयां होती हैं, यानी इसको हम डिवाइस भी बोल सकते हैं। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू द थ्री कैटेगरी, यानी कंप्यूटर के भागों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहला होता है हमारा वो इनपुट होता है, सेकेंड जो होता है आउटपुट होता है, थर्ड जो होता है हमारा सिस्टम यूनिट, यानी जिसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। आपको बेटा पिछले क्लास में बताया कि हमारा इनपुट डिवाइस होता क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, और थर्ड जो होता है यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होते हैं। चलिए एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं। इनपुट डिवाइस जिसके माध्यम से हम डाटा को देते हैं वही हमारा क्या होता है इनपुट डिवाइस। अगर इसको डिफिनेशन करें तो इनपुट डिवाइस आर डाटा इंटरक्शन विच कैन फिट इनटू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस आर डाटा इंटरक्शन विच कैन फिट इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, टास्क पेन, वेब कैमरा। ठीक, इसके बाद हमारा प्रोसेस आउटपुट होता है। आउटपुट जिसके माध्यम से हमको रिजल्ट मिलता है, यानी कि हम मॉनिटर के माध्यम से हम देखते हैं कि हम क्या वर्क कर रहे हैं, प्रिंटर के माध्यम से हमको फोटोस्कोपी मिलती है, ठीक, साउंड के माध्यम से हम क्या करते हैं आवाजों को सुनते हैं, यानी कि आउटपुट डिवाइस यानी कि जिसके माध्यम से हम देखते हैं रिजल्ट मिलता है सुनते हैं वो हमारा कौन सा डिवाइस होता है आउटपुट डिवाइस। इसको बोलते हैं बेटा द प्रोसेस, इसका डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ डिस्प्ले, यानी कि डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो डिस्प्ले करता है यूजफुल एंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, यानी यूज करने के बाद जो रिजल्ट हमको देता है वो हमारा क्या कहलाता है आउटपुट कहलाता है। यानी एक बार फिर से द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग यूजफुल एंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आर रिजल्ट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। ठीक, एग्जांपल हमारा हो गया, आपको बताएं मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। थर्ड जो होता है लास्ट जो होता है सिस्टम यूनिट। ठीक, इसका जिसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस ही बोलते हैं। हमारा एक एक दो डिवाइस होते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। वन सीपीयू होता है, क्या होता है वो सीपीयू, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा होता क्या है, इसको कई इकाइयों में बांटा गया बेटा। सबसे पहले जो होता है हमारा क्या होता है मदरबोर्ड होता है, पावर सप्लाई, ठीक, बैटरी, इसके बाद होता है मेमोरी। इसके बाद मदरबोर्ड पर सबसे पहले होता क्या है, मदरबोर्ड एक क्या होता है फाइबर का एक प्लेन होता है, एक फाइबर का संदर्भ है, बोर्ड होता है, प्लेट होता है जिसमें बहुत सारे कंबाइनिंग बार लगे होते हैं। और इसमें क्या करते हैं, ठीक, मदरबोर्ड जो होता है बेटा एक फाइबर का हमारा प्लेन होता है, सिल्वर होता है, जिसमें बहुत सारे कंबाइनिंग वायर लगे होते हैं, इसमें अनेक प्रकार के चिप लगे होते हैं, अनेक प्रकार के चिप क्वाड्रेटर भी लगे होते हैं जो आपस में क्या करते हैं एक दूसरे को जोड़ने में हमारा मदद करता है। ठीक, तीसरा जो होता है दूसरा सेकेंड जो होता है हमारा उसका पावर सप्लाई होता है, इसको हम ईएस एम पी ईएस के नाम से भी जानते हैं। ठीक ना, सिंपल में पावर सप्लाई को बोलते हैं सिंपल मैनेजमेंट पावर सप्लाई। ठीक ना, ये हमारा क्या होता है एक पावर सप्लाई, यानी कि हमारे कंप्यूटर में भी होते हैं किस जगह पे कितना पावर चाहिए वो इसी को क्या करता है एसएमपीएस के माध्यम से इसको ट्रांसफर करते हैं। ठीक, इससे हार्ड डिस्क में हमारा क्या है पावर चाहिए और हमारा जो मदरबोर्ड में भी पावर चाहिए उसको उपयोग करने के लिए है कि नहीं, यानी कि वो अपना एसएमपीएस का करता है। ठीक, थर्ड जो होता है अपना बैटरी, छोटा सा सेल लगा होता है उसका उपयोग जो होता है वो क्या करता है बैटरी, उसका उपयोग टाइमिंग, हमारे कंप्यूटर में टाइमिंग दिखाता है, कैलेंडर का क्लॉक हो गया। ठीक ना, वो जो हमारा उपयोग करते हैं उसको बैटरी होती है, वही डेट और टाइमिंग के लिए लगी होती है। ठीक ना, अगर हमारे गलती से हमारा कंप्यूटर हम अगर ऑफ कर देते हैं तो इससे होता है वॉच चलाने में मदद करता है, जो सेल होगा वो वॉच को उपयोग करने में हमारा मदद करता है, इसलिए आपके कंप्यूटर में जो टाइमिंग होती है वो मिलती रहती है। फोर्थ जो होता है हमारा मेमोरी होता है, मेमोरी आपको बताया हमारे कंप्यूटर में टू टाइप्स की मेमोरी होते हैं, ठीक, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसके बाद हमारा सीपीयू आपको बताया, सीपीयू का फुल नेम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
सीपीयू क्या कहते हैं, जो भी पार्ट अभी आपको बताए सारे जो कहां पे लगे होते हैं, सीपीयू में लगे होते हैं। ठीक, अब चलते हैं मेमोरी की तरफ। हमारी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, हमारे कंप्यूटर में टू टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत हमारा रैम और रोम आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत हमारा जी ड्राइव, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, यानी प्राइमरी मेमोरी जो पहले से लगे होते हैं। ठीक, और सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम बाहर से लाके यूज करते हैं वो हमारा हो गया सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, एग्जाम्पल आपके सामने रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का अलावा क्या होता है, जी ड्राइव, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, यानी जी ड्राइव को भी इंस्टॉल करते हैं, पेन ड्राइव को बाहर से लाके उपयोग कर सकते हैं, हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर में बाहर से ही लगा होता है। ठीक ना, पेन ड्राइव में भी हम क्या करते हैं, हार्ड डिस्क कोई फाइल कंप्यूटर ला के इसको बाहर से यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको पढ़ना है कि हमारा कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर में हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं, इसकी जनरेशन क्या है, आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ बेटा तो आप इस वीडियो में क्या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।